चलिए अब फिटिंग की बारी है, तो सबसे पहले हम ये लगा देते हैं। इसमें हमारा ये छोटा सा फिल्टर, सबसे पहले नीचे इसको फिक्स करना है। ये प्लास्टिक का है पूरा बॉडी, तो बहुत धीरे धीरे करिए वरना टूट जाएगा। ये हो गया, ये बॉडी इसकी। इसको हम हाथ से ही टाइट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कार्बोरेटर लगाना है। पहले हमें कार्बोरेटर का कपड़ा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आजू बाजू जो आसपास में कुछ कचरा है वो क्लीन कर लीजिए। पहले तो हमें ये वायर फिक्स करना पड़ेगा। इसमें मैं इसको आपको लगा के बताता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से कर नहीं पाऊँगा। इसको थोड़ा क्लीन कर लीजिए। ये वायर हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो हमें यहाँ नीचे से इसको ऐसे फंसाना है। ठीक है, यहाँ फंस गया, इसको यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ से निकालना है। यहाँ आ गई, अभी यहाँ पे इसके अंदर डालना होता है। ये बोल्ट पहले निकाल लेना है, ऊपर से इसके अंदर ऐसे फंसाएंगे। ये बोल्ट को ऐसे टाइट कर लेना है। बस ये हो गया, और हमें इसको लगाना है। तो ये सबसे पहले इसके अंदर फंसाना पड़ेगा। ये काम ही सबसे मुश्किल है, जगह कम होती है तो होता नहीं है आसानी से। इसको आराम से करना है, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ और ना टूट जाए। मैं एक मिनट देखता हूँ ये निकल के। अगर मैं एक बार फिल्टर बॉक्स ओपन करके देखता हूँ, एयर फिल्टर बॉक्स, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो रही है। ये मैंने बॉक्स खोल लिया है, ये निकल गया है। अब इसको देखते हैं, ये तो ऐसा लग गया, बट अब इसकी दिक्कत है इसको अंदर डालना। तो ये अगर ये बॉक्स इजीली ओपन होता तो बहुत आसानी से लग जाता, पर इसमें बहुत सारे बोल्ट वगैरह हैं जिसके लिए मुझे काफ़ी कुछ खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक बोल्ट यहाँ है, उसके लिए सीट निकालना पड़ेगा, यहाँ है उसके लिए मुझे बैटरी निकालना पड़ेगा। मैं देखता हूँ ऐसे ही ट्राई करके। मुश्किल तो है, इसको लगा ही देते हैं।
बस थोड़ा सा बाकी रह गया। का भाग बाकी है खाली। ये देखिए ऊपर तो लग गए, ये नीचे बाकी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। दूसरे साइड से करता हूँ। यहाँ देखिए थोड़ा सा ही बचा है, इसको कैसे भी एडजस्ट करना है। इसको धीरे धीरे, हाँ ये हो गया है, आप देख सकते हैं ये पूरा एक बार फिक्स हो जाए तो उसके बाद ये नीचे रहता है। इसको हम ऐसे हिला के देख लेंगे। अब ये जो है इसे हम टाइट कर देते हैं। एयर फिल्टर का बॉक्स खोलने से थोड़ा पकड़ने में आसानी हुई, इसलिए इजीली हो पाया। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। ये हो गया ठीक है, ये भाग अपना ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्क्रू मारना है। पहले इसको हाथ से लगा के थोड़ा सा सेट कर लीजिए दोनों स्क्रू को, उसके बाद इसको टाइट करना है। ये हो गया, मैं दूसरे साइड का लगा लेता हूँ। अब हाथ से जितना टाइट करना था वो मैंने कर लिया, अभी हमें इस पाने से करना है। कुछ नहीं है, मैं इसको कम्प्लीटली टाइट करता हूँ, फिर मैं अब आगे वीडियो बताता हूँ आपको। फिट हो गया है, अब हमें ये पेट्रोल का पाइप लगानी है। इस लॉक को नीचे कर लीजिए। ये लॉक मैंने नीचे कर लिया, अब है सब देख लीजिए। ये हमने टाइट कर लिया है, ये पाइप लगा लिया है, इधर कनेक्शन फिट हो गया है, इधर अपना ये एयर फिल्टर में लग गया। अब पेट्रोल धीरे धीरे खोलना है, चेक करने के लिए कि कहीं से लीक तो नहीं है। मैं स्लोली स्लोली, मैंने फुल पेट्रोल ओपन कर दिया है। अब ये भी ठीक है, मेरा कहीं से लीक नहीं हो रहा, यहाँ भी लीक नहीं है, यहाँ भी लीक नहीं है, मतलब मेरे कनेक्शंस प्रॉपर हैं, मैंने स्क्रू वगैरह सब ठीक से लगाया। अब नेक्स्ट है हमें इसको चेक करना है बाइक स्टार्ट करके।